हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो होने वाली है कि आखिरकार हम अपनी पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, या फिर पढ़ाई से हमें प्यार किस तरीके से करना चाहिए जिससे पढ़ाई हमसे प्यार करके हमें सक्सेस बना सके। बहुत सारे लोगों के मन में यही चलता रहता है कि सर हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ समय बाद डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बस यही है कि स्टूडेंट होने के बावजूद वो सब काम कर पाते हैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तो आपको बता दें, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एवन सर आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं और आप लोगों को एक एक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए जिससे पढ़ाई में आपका मन लग जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज आप लोगों को चार टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि एक दूसरे से काफी रिलेटेड होगी। और आप लोगों को बता दें, ये आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इन चार टिप्स को अपना लेते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर की है स्टडी विद पर्पस। आप लोगों को बता दें, जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम नहीं पढ़ सकते। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के घर वाले भी मॉर्निंग के टाइम में काम करने के लिए आते हैं, उनका भी उद्देश्य होता है कि जब हम कमा के लाएंगे अपने बच्चों को पेट भर पाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दें, कोई ठेले पे काम कर रहा है तो उसका भी पर्पस होता है कि मेरे ये सामान बिकेगा तो मैं घर पर कुछ पैसे लेके जा पाऊंगा। हर एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिस काम को करने के लिए वो जा रहा है कि इस काम को करने के बाद मुझे इस चीज़ का फायदा होने वाला है। उसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपने, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कॉपी है, मैंने कॉपी खोल ली, मेरा पढ़ाई में मन लगेगा क्यों लगेगा और मैं पढ़ाई करूंगा क्यों। हर एक बच्चा का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि मुझे आखिरकार इसे पढ़कर मुझे क्या फायदा होने वाला है, आखिरकार मुझे ये क्यों पढ़नी चाहिए। उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उसके पास कोई टारगेट नहीं है। और जिस बच्चे का टारगेट नहीं है, मैं बता रहा हूं, वो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता। तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको पहले एक उद्देश्य क्रिएट करना होगा जिस उद्देश्य के लिए आपको पढ़ाई के लिए मन लगाएं। तो अगर आप लोगों को बात के लिए समझ में आ गई हो तो बहुत सही, और नहीं तो आपको बता दें सेकंड नंबर का पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर का है, देखो आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की एक विशेषता होनी चाहिए कि वो जब पढ़ने के लिए बैठे तो वो कुछ सीखने के पर्पस से बैठे कि आज मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा, ना कि इसे आप बोरिंग समझें। और दूसरे नंबर पर हम बात बताना चाहते हैं कि जब क्वेश्चंस आपसे क्रिएट किए जाएं, जब टीचर आप लोगों को समझाएं तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आता तो उस क्वेश्चन को पूछिए। सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा यही है, आस्क क्वेश्चंस। आप बता दें, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बस वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन वो टीचर से पूछते नहीं हैं। अरे क्यों नहीं पूछते भाई, टीचर का काम है आपके डाउट को क्लियर करना, टीचर का काम है आपको स्पष्ट समझाना, तो वो आपको समझाएंगे। आपके मन में कोई डाउट आए, आपके मन में कोई क्वेश्चंस आए, अब क्वेश्चंस जो हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। बहुत से बच्चे जो हैं वो हर एक क्वेश्चन के अंदर निकालते रहते हैं, तो बेवजह के कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस में लॉजिक होना चाहिए और एक अच्छे क्वेश्चंस को आप जरूर पूछ सकते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे आपके डाउट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे आपको स्पष्ट चीज़ें समझ में आएंगी और आपका पढ़ाई मन लगना शुरू हो जाएगा। टीचर तो मैं कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जनन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बस में नहीं, और आपको यही नहीं पता जनन होता क्या है, मैंने पढ़ा दिया फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो भाई पूछ लो कि सर ये आखिरकार जनन होता क्या है, या मान लो जेनेटिक्स क्या होता है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, इन चीज़ों को पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें नहीं, मतलब टीचर को नहीं पता चल पाता कि आपके क्या डाउट्स हैं। तो कोशिश कीजिए, एक जेन्युइन क्वेश्चन अगर आपके अंदर है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर का है डू नॉट बाउंड ए टाइम। आप लोगों को बता दें, हम क्या काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आराम से मस्त मोबाइल चलाते आएंगे और हमको पता भी नहीं चलता हमारा एक डेढ़ घंटा कहाँ चला गया रील्स देखने में। क्यों? क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, एंटरटेनमेंट होता है, कॉमेडी होती है, डांस वगैरह होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, बस में नहीं। लेकिन आपको बताना, जब हम एक मस्त सी मूवी देख रहे हो, जैसे मान लो हमारे पास पुष्पा 2 चल रही है, क्या पुष्पा 2 तो अभी आई भी नहीं है, सॉरी यार, KGF 2 चल रही है, या फिर मान लो कोई ऐसी मूवी चल रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, बीच में आया तो 2 मिनट का ब्रेक, तो हमको लगता है यार ये 2 मिनट का ब्रेक भी बड़ा लंबा लगता है हमें। क्यों? क्योंकि उस समय हमें मजा आ रहा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को क्या काम करना होता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो अपने आप को ये ना बोले कि मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा। अगर आपने अपने आप को कर दिया तो यकीन मानिए, आपने ये बोल लिया कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ोगे, फिर आपका जो दिमाग होगा वो बोलेगा कि भाई तेने 2 घंटे के लिए बोला था, अब मैं नहीं पढ़ने वाला। तो आप जितना बाउंडेशन दोगे इस माइंड को उतना बाउंड होता जाएगा। तो आप हर चीज के लिए बाउंडेशन बनाओ, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई बाउंडेशन मत बनाओ, बस में नहीं। और अपने दिमाग को बोलो कि भाई तेरा काम है पढ़ाई करने का, तू स्टूडेंट है, तुझे पूरे दिन पढ़ाई करनी होगी, बीच में तुझे ब्रेक चाहिए मैं ब्रेक दूंगा, बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है मैं दूंगा, लेकिन तेरा मकसद पढ़ाई करने का है तो तुझे पहले पढ़ाई करनी होगी। तो आई थिंक आप लोगों को तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया।
होगा तो आपको बाउंड नहीं करना, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें। और चौथे नंबर का जो पॉइंट है ये है आपका खुद का नज़रिया बदलना। आप लोगों को बता दें हर एक इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचते हैं, कुछ नेगेटिव वे में सोचते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लो मैं मोदी जी के ऊपर बात कर लेता हूँ, मोदी जी को बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छा समझते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को गलत समझते हैं, उनके काम पसंद नहीं आते लोगों को या उनको पीछे गालियां भी देते हैं। तो आप लोगों को बता दें ये सिर्फ हमारा नज़रिया है देखने का कि हम कैसा, हम अगर किसी के बारे में अच्छे विचार रखेंगे तो वो अच्छा और बुरा रखेंगे तो बुरा। तो उसी तरीके से अगर हमने पढ़ाई के लिए एक नज़रिया बना लिया कि ये तो बोरिंग चीज़ें होती हैं, इससे कुछ नहीं होता पढ़ाई करने के, मतलब अगर आपने पढ़ाई से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में भर दी तो फिर दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, आपको अपने आप से बोलना होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, आपको बोलना होगा कि ये जो बुक्स हैं ये मेरी लाइफ को बनाने वाली हैं, आपको बोलना होगा कि मुझे नॉलेज क्रिएट करनी है, आपको बोलना होगा कि मुझे अपने आप पर मेहनत करनी होगी, मतलब आपका अपना नज़रिया बदलना होगा, सही चीज़ें आपको देखनी होंगी, इसके जो बेनिफिट हैं उन बेनिफिट को अपने माइंड में डालना होगा, तब जाकर आप लोगों की अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी, तब आप अपने पढ़ाई में मन लगा पाएंगे और पढ़ाई से आप लोगों को प्यार होगा। आपको बता दें अगर आपने पहले बोल दिया ये बोरिंग है तो तुम पढ़ाई कैसे कर लोगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, तुम्हारे मन में आ गया कि ये तो लड़की तो मतलब कि बिल्कुल बेकार है, मन में मान लिया बेकार है तो कहाँ से आएगी। लेकिन आप लोगों को बता दें आपने कोई लड़की देखी, वाह क्या लड़की है, है? तो आपको बताना आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा जब आप उसके लुक, चाहे लुक वाइज देखोगे या किसी भी चीज़ को देखोगे तो वो तुम्हें मतलब जब तुम उसको पसंद करोगे तब आपको उसमें मन लगेगा। उसी तरीके से जब आप पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे, जब पढ़ाई में अपना मन लगाओगे तब आप वहाँ से नॉलेज इकट्ठी कर पाओगे। तो देखो मेरा समझाने का जो मकसद था, हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में आ गया हो और हो सकता है किसी बच्चे के समझ में ना आया हो, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ लास्ट में कि आपको पढ़ाई के समय एक पर्पस, एक उद्देश्य रखना चाहिए। पढ़ाई करते समय कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप पढ़ाई में कोई बाउंडेशन नहीं रखनी चाहिए और अपनी पढ़ाई के लिए नज़रिया बदलना चाहिए। ये चारों पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, जो बच्चा समझ जाएगा उसको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा तो जैसे वो पहले था उससे और बेकार ही हो जाएगा, उससे अच्छा नहीं होने वाला। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बता सकते हैं, और आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूर बताइए कि आपको पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यस पढ़ाई में सर हमें अच्छी लगती है, है ना, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे के सर हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिससे हमें पता चल सके कौन ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा। मैं उसके लिए एक नई वीडियो और भी लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।